हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोगता एकेडमी। माय नेम इज़ भानु गुलेरिया। वी आर डूइंग अवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियोस। दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम एनटी 2018 एग्जाम्स। तो ऑल यू हैव टू डू जस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड डू कमेंट द आंसर्स एंड ओवरऑल स्कोर आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस इन द वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट बिल्ट द तारागढ़ फोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट अराउंड 1625-30 एडी। 1625 और 1630 एडी की बात है, नूरपुर के राजा की बात है, और नूरपुर के राजा ने चंबा में तारागढ़ फोर्ट बनाया था। तो ये किसने बनाया था? बासु ने बनाया था, जग सिंह ने बनाया था, जय सिंह ने बनाया था, राजरूप सिंह ने बनाया था। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब जगत सिंह की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो राजा थे नूरपुर के थे, और नूरपुर की रियासत में इनके जो पीरियड है एक तरह से उसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। अब कब से कब तक था? तो 1619 से लेके आपका 1649 एडी तक इनका पीरियड रहा है। अब जगत सिंह, आप कंटिन्यूसली अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि हर किसी एग्ज़ाम में जगत सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इनके समय ही जहांगीर नूरपुर आए थे अपनी बेगम नूरजहाँ के साथ, और धमेरी जो नूरपुर का पुराना नाम था उसको चेंज करके क्या कर दिया था? नूरपुर करा था, धमेरी को चेंज करके नूरपुर करा था। और 1623 में बैटल ऑफ 1623 में बैटल ऑफ डहलोग भी हुई थी। 1623 में बैटल ऑफ डहलोग भी हुई थी। अब बैटल ऑफ डहलोग की बात कर लेते हैं, तो एक तरफ थे आपके जगत सिंह नूरपुर से, और दूसरी तरफ आपके थे जनार्दन जे जे डीजे डीजे याद रख सकते हैं आप। देख इस तरह से बैचलर ऑफ डहलोग के बारे में अगर आपको मेंस में भी शॉर्ट नोट लिखने को आए तो आपने डहलोग से डीजे डीजे करके, एक तरफ जगत सिंह, दूसरी तरफ जनार्दन, जनार्दन थे आपके चंबा से। अब जनार्दन से पहले की बात करें तो बिशाम्बर, थोड़ी सी स्टोरी रिवाइज कर लें। जनार्दन के पिता का नाम था बिशाम्बर। अब बिशाम्बर क्या बहुत ही जो दानी है किस्म के राजा थे, ये बहुत सारे डोनेशन करते थे, और इनकी एक्स्ट्रा डोनेशन से परेशान होकर उसके बेटे ने बिशाम्बर को, अपने पिता को ही गद्दी से हटा के खुद गद्दी पे बैठ गया था। अब बैटल ऑफ डहलोग होती है जगत सिंह और जनार्दन के बीच में, जिसमें जनार्दन का भाई था बिशाम्बर, सॉरी यहाँ बलभद्र है, बिशाम्बर इसका भाई था, करेक्ट कर लीजिएगा। जगत सिंह और जनार्दन, और जनार्दन के पिता हैं बलभद्र, कहना था मैंने बिशाम्बर कह रहा हूँ बल भद्रा। जो बालीकरण की बात करें या डोनेट करने की बात करें तो जगत सिंह और इसके बीच में 1600 जनार्दन के बीच में 1630 में बैटल ऑफ डहलोग होती है। बलभद्र थे और बिशाम्बर इनके भाई थे। तो बैटल ऑफ डहलोग में बिशाम्बर को मार दिया जाता है, और जनार्दन को भी दिल्ली दरबार में बुला के मार दिया जाता है। अब बिशाम्बर को नहीं, सॉरी बलभद्र को फिर से चंबा का राजा बनाया जाता है। बिशाम्बर को, सॉरी बार बार मैं बिशाम्बर कह रहा हूँ, बलभद्र को चंबा का राजा बनाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ नॉमिनल आपका किंग थे। और इस समय 20 साल तक जगत सिंह ने ही चंबा को अपने कंट्रोल में रखा था, और इसी दौरान उन्होंने बनाया था आपका तारागढ़ फोर्ट। और जगत सिंह की बात करें तो उनके बाद आए थे नूरपुर में राजरूप सिंह। और जनार्दन तो अब डेथ हो गई है, अब यहाँ पे हैं बलभद्र। अब जगत सिंह ने ऑर्डर दे दिया था कि बलभद्र का अगर सन होता है, बेटा होता है, तो उसको मार दिया जाए, लेकिन अब यहाँ पे उनका बेटा तो होता है पृथ्वी सिंह, जिसके पैदा होने पे उनकी एक नर्स थी वो सुकेत में लगी थी उन्हें, ताकि जगत सिंह उसे मारे ना। और सुकेत और मंडी में पला बड़ा कौन?
पृथ्वी सिंह, और बड़े होने पर उसने अपनी जो चंबा को फिर से अपने अपने वश में करा था, या अपनी जो टेरिटरी है फिर से उसको ऑक्यूपाई करा था, किसने? पृथ्वी सिंह ने। और इसका नर्स का क्या नाम था? तो नर्स का नाम था आपका बाटलू। और फिर यही बाटलू हैं जिन्होंने खजियार टेंपल बनाया था, या बहुत सारे टेंपल बनाए थे। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1623 में बैटल ऑफ डहलोग हुई, किस किस के बीच में? जगत सिंह और जनार्दन के बीच में। डीजे आप करके याद रख सकते हैं, अगर बैटल ऑफ डहलोग की बात की तो डीजे आपको याद रख सकते हैं, आपका डहलोग जगत सिंह और जनार्दन के बीच में। अगर आपको मेंस में ये नोट आ जाता है लिखने को कि बैटल ऑफ डहलोग पे एक राइट एक शॉर्ट नोट ऑन राइट बैटल ऑफ डहलोग। अब जनार्दन के पिता कौन थे? बलभद्र। अब बलभद्र बहुत दानी किस्म के आदमी थे, तो जनार्दन ने अपने पिता को हटा के खुद गद्दी पे बैठ गया था। बैटल ऑफ डहलोग हुई, डहलोग में जनार्दन के भाई थे विशाम्बर, उनको मारा गया और जनार्दन को दिल्ली बुलाकर मारा गया। ये दोनों तो गेम से बाहर हो गए। अब बलभद्र को नॉमिनल राजा घोषित किया गया, लेकिन जो एक्चुअल कंट्रोल था वो नूरपुर के जगत सिंह के पास था। अब जगत सिंह ने 20 साल राज करा, 20 साल राज करने के बाद जो तारागढ़ फोर्ट उसने वहाँ पे बनवाया, और उसके बाद जगत सिंह ने ऑर्डर दे दिया अगर बलभद्र का बेटा होता है तो उसको मार दिया जाए। लेकिन बेटा होने पर चुपके से उनकी नर्स जो बाटलू थी वो उनको कहाँ ले जाती है? सुकेत में। और सुकेत में जब ये पृथ्वी सिंह पले बड़े, तो बाद में जब बड़े होने पे उन्होंने अपनी जो नूरपुर के अंडर थी टेरिटरी उसको फिर से ऑक्यूपाई करा। तो ये थी अब तक की स्टोरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ योगी हु गाइडेड राजा साहिल वर्मन ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट रिगार्डिंग द साइट ऑफ द न्यू कैपिटल हिज न्यू कैपिटल ऑफ हिज स्टेट। जो योगी आए थे चंबा में साहिल वर्मन के समय, उनका जो हेड थे वो कौन थे? ऑप्शन ए गोरखनाथ थे, भोलेनाथ थे, चरपट नाथ थे, या बालकनाथ थे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। साहिल वर्मन की बात है जो 80 कितने योगी आए थे? 84 योगी आए थे, और 84 टेम्पल्स भी उनकी याद में वहाँ पे बनाए गए हैं, और उन्होंने उनको ब्लेसिंग दी थी क्योंकि जो साहिल वर्मन थे वो काफ़ी समय से चाइल्ड लेस थे, तो उन्होंने उनको 9 बेटों की और एक बेटी जो डॉटर है वो होने का वरदान दिया था, और उसी बेटी का नाम था चंपावती, और चंपावती के नाम पे ही चंबा टाउन एस्टेब्लिश किया गया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्पायर गॉट ए मॉस्क्यू बिल्ट इन साइड द कांगड़ा फोर्ट। बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है कि कांगड़ा फोर्ट के अंदर किसने जो मकबरा था वो बनाया था। ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो आपको अभी अभी आपने देखा कि जो जहांगीर है उसका बहुत इंटेंस रिलेशन रहा है चंबा स्टेट से, और इस तरह से नूरपुर के राजा भी जहांगीर के समय थे, वो कौन थे? जगत सिंह थे। तो जहांगीर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच यूरोपियन ट्रेवलर ट्रेवल्ड फ्रॉम नाहन टू जम्मू टू नूरपुर अराउंड 783। अब इस क्वेश्चन को अगर नाहन से जम्मू पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, लेकिन इससे 1783 AD से अगर आप क्वेश्चन को आंसर ढूंढ सकते हैं तो ऑप्शन ए है हारकोट, ऑप्शन बी है फॉस्टर, ऑप्शन सी है विग्ने, ऑप्शन थ्री है बर्नियर। तो 1783 के टाइम जो यूरोपियन थे वो थे फॉस्टर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ कुल्लू वॉज टेकन प्रिजनर बाय सुकेत प्रिंसली स्टेट अराउंड 1850-900 AD। दो 1850 और 900 AD की बात कर रहे हैं, तो उसमें कुल्लू के किस राजा को सुकेत के राजा ने बंदी बना के ले गया था? ऑप्शन ए है सिद्धपाल, ऑप्शन बी है बहादुरपाल, ऑप्शन सी है भूपाल, ऑप्शन डी है आपका विधि सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी भूपाल। अब थोड़ी सी इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि ये किसने करा था। ये करा था आपका बीरसेन ने, बीरसेन जो सुकेत रियासत के फाउंडर थे, इन्होंने पारगना में पैलेस भी बनाया था। बीरसेन की बात कर रहे हैं हम, सुकेत की सुरही इलाका, कहाँ
कहाँ बनाया था? सुरही इलाका में पैलेस। बीरसेन की बात कर रहे हैं, सुकेत के फाउंडर थे, इन्होंने और पारगना में एक पैलेस भी बनाया था, वहाँ क्या था? सुरही इलाका। और उन्होंने किसको कैद में ले लिया था? भूपाल को। मतलब सुकेत और कुल्लू की बात हो रही है, सुकेत के रियासत के अंडर आ गया था उसमें भूपाल। और भूपाल के बाद हस्तपाल थे, उन्होंने भी कोशिश करी थी कि सुकेत से वापस लिया जाए। उस समय सुकेत के राजा कौन थे? अगर आपने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो विक्रमसेन थे। विक्रमसेन अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं याद करा दूं आपको, विक्रमसेन बहुत ही रिलीजियस थे, वो 2 साल के लिए हरिद्वार चले गए थे। हरिद्वार चले गए थे और उनके भाई त्रिविक्रम, त्रिविक्रम को गद्दी सौंप के हरिद्वार चले गए थे, लेकिन त्रिविक्रम और हस्तपाल ने मिलके ये डिसाइड करा कि कुल्लू को इंडिपेंडेंस दे दी जाए। और जब 2 साल बाद विक्रम वापस आए तो उन्होंने त्रिविक्रम से जब गद्दी मांगी तो त्रिविक्रम ने गद्दी देने से मना कर दिया, और फिर बैटल ऑफ ज्यूरी हुई थी। क्या हुई थी? बैटल ऑफ ज्यूरी, जिसमें इन दोनों को मार दिया गया था, और विक्रम सेन ने फिर से कुल्लू को भी ऑक्यूपाई कर लिया था और जो सुकेत की रियासत है उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया था। बैटल ऑफ ज्यूरी आप याद रख सकते हैं। और अब कुल्लू कब आज़ाद हुआ था? लक्ष्मण सेन के समय, लक्ष्मण सेन के समय सुकेत से कुल्लू इंडिपेंडेंट हुआ था। तो ये था इसका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराउंड विच सेंचुरी वॉज ए ट्रीटी साइन बिटवीन राजा केहरी सिंह ऑफ बुशहर एंड तिब्बत, बुशहर के राजा केहरी सिंह और तिब्बत के बीच में किस सेंचुरी में आपकी ट्रीटी साइन हुई थी? ऑप्शन ए है 14th सेंचुरी, ऑप्शन बी है 15th सेंचुरी, ऑप्शन सी है 16th सेंचुरी, ऑप्शन डी है 17th सेंचुरी। तो केहरी सिंह रामपुर बुशहर के एक फेमस राजा थे, तो 17th सेंचुरी में ये जो ट्रीटी साइन हुई थी, और तभी इसे लवी जो फेयर है वो भी मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज ए डिसीजिव बैटल फॉट बिटवीन द गोरखास एंड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी। अब आप थोड़ा सा पैटर्न समझने की कोशिश करिए कि एक क्वेश्चन गोरखा से आ रहा है, एक थोड़ा सा हिस्ट्री से आ रहा है, हालांकि जो लेटेस्ट एग्जाम है उसमें हिस्ट्री का जो पार्ट है वो बहुत ही कम हो गया है, लेकिन फिर भी अगर ये जो गोरखा वाला पार्ट है उससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस तरह से कर सकते हैं कि गोरखा वाले पार्ट को अगर आप पूरी तरह से एक अच्छा अपना पकड़ बना ले तो उसमें आप एक दो क्वेश्चंस एग्जाम में आपकी श्योर हो सकते हैं। तो गोरखा वाले क्वेश्चन से है कि जो गोरखा और ब्रिटिश की बैटल हुई उसमें वो कहाँ पे हुई, पहले 19th सेंचुरी में कहाँ पे हुई? क्या वो जैतक हिल्स में हुई, हरिपुरा धार में हुई, सैन धार में हुई, या धारथी धार में हुई? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, जैतक धार में हुई। अब गोरखा बैटल की बात करें तो ऑक्ट्रलोनी आपने याद रखना है, मेजर जो गिलेस्पी है वो याद रखना है, और जो हमने बैली फ्रेजर पढ़ा था वो आपने याद रखना है। दूसरी तरफ आपने भक्ति यादा, भक्ति थापा जो वन ऑफ द ब्रेवेस्ट कमांडर था गोरखा का, जिसका डेथ होने से अमर सिंह थापा का मनोबल टूट चुका था, तो वो देखना आपने, वो किस फोर्ट पे मरा था, मलौन फोर्ट पे मरा था, कीर्ति राणा कहाँ था, ये सब चीज़ें आपने एक बार इससे गो थ्रू हो जाना है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हु फाउंडेड द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिंडूर प्रिंसली स्टेट, जो हिंडूर है, नालागढ़ है जिसका नया नाम, वो किसने फाउंड करी थी? ऑप्शन ए बीरचंद ने, ऑप्शन बी अजीत चंद ने, ऑप्शन सी कहलचंद ने, ऑप्शन डी बीकचंद ने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इसमें कई जगह अजय चंद भी लिखा है, तो अगर अजय चंद ऑप्शन होगा तो अजय चंद जो बिलासपुर के कल्हन चंद का भाई था, कुछ कहते हैं 1100 AD में अजय चंद ने बनाई है और कुछ कहते हैं अजीत चंद ने बनाई है, तो आपने जिस तरह से ऑप्शन रहेगा उस तरह से आपने आंसर कर देना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच टू ठकुराइज वर मेड सबऑर्डिनेट टू जुब्बल
प्रिंसली स्टेट इन 1896 AD में जुब्बल के अधीन कौन सी दो ठगराई कर दी गई थी? ऑप्शन ए है राविनगढ़ और रतेश, ऑप्शन बी है राविनगढ़ और सांगरी, ऑप्शन सी है राविनगढ़ और खनेटी, ऑप्शन डी है राविनगढ़ और दाडी। तो डी इज द राइट आंसर, जो राविनगढ़ और दाडी है, ऑप्शन डी राविनगढ़ और दाडी है, वो है आपकी जो दो ठकराई हैं जुब्बल के अंडर कर गई है। और खनेटी और देलट, हाँ देलट और खनेटी, ये भी नोट राइट डाउन कर लीजिएगा आप। एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है खनेटी और देलट, देलट ये भी आपकी किसके अंडर कर दी? बुशहर के अंडर, बुशहर के अंडर कर ली थी। हुआ ये था कि जब गोरखा और ब्रिटिश वॉल वॉर का एंड हुआ, उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट थी उनको इंडिपेंडेंस दे दी गई, लेकिन सनद दी गई उनको, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं थी कि सनद थी। वहाँ का राजा तो एस्टेब्लिश होगा लेकिन जो पैरामाउंटेसी होगी वो ब्रिटिश के हाथ में रहेगी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और ये भी राइट डाउन कर लीजिएगा कि खनेटी और देलट किसके अंडर थी? बुशहर। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच राजा ऑफ बुशहर एक्टेड विद हॉस्टैलिटी टुवर्ड्स द ब्रिटिश ड्यूरिंग 1857 म्यूटनी, जो 1857 की क्रांति हुई, तो बुशहर का कौन सा राजा था जो विद्रोह की भावना से अंग्रेजों के खिलाफ था? शमशेर सिंह, महेंद्र सिंह, उग्र सिंह या रुद्रा सिंह। तो अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो उग्र और रुद्रा देख के, थोड़े से नाम वॉयलेंट देख के आप इन पर टिक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो शमशेर सिंह थे वो बुशहर के राजा थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो स्टैंड लिया था। अब क्यों लिया था? क्योंकि इन्होंने जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे, दो एक तहसीलदार को अंग्रेजों ने वहाँ के दो एडमिनिस्ट्रेटर एस्टेब्लिश कर दिए थे, एक तहसीलदार थे एक वजीर थे, उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे बुशहर स्टेट में उन्होंने अपॉइंट कर दिया था, ताकि वो जो शमशेर सिंह है उनकी जो पावर को रिड्यूस कर सके। और उसके बाद जब उन्होंने 1857 में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, तो आप एक क्वेश्चन बनता है किस कौन एक्शन लेने वाला था? तो विलियम हे थे वो इनके खिलाफ एक्शन लेने वाले थे, लेकिन जो लॉरेंस हैं उन्होंने लॉरेंस हैं उन्होंने मना कर दिया था कि आप इनके खिलाफ कोई एक्शन मत लें। तो ये भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि शमशेर सिंह के जो बुशहर में शमशेर सिंह राजा के दौरान जो तहसीलदार थे वो किसको अपॉइंट करा था अंग्रेज़ों ने, ताकि वो शमशेर सिंह के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंटरफेयर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज सेंटेंस टू डेथ इन द लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस विच वॉर लेटर ऑन टू रिड्यूस लाइफ इम्प्रिजनमेंट, दो किसको डेथ सेंटेंस दे दिया गया था कॉन्स्पिरेंसी की षड्यंत्र रचने के लिए, विच वॉज लेटर रिड्यूस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और बाद में पहले तो उनको मृत्यु दंड दिया गया लेकिन बाद में उसको आजीवन कारावास में बदल दिया गया, तो ये कौन से थे? या ऑप्शन ए हृदयाराम थे, हरदेव थे, मथुरा दास थे, या मियां जवाहर सिंह थे? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो हृदयाराम थे वो किससे रिलेट थे? गद्दर पार्टी से। पहले तो इनको जो मंडी कॉन्स्पिरेसी केस है और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है उनसे रिलेट किया गया, लेकिन बाद में इनकी बीवी के कहने पे उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के मतलब आजीवन कारावास के रूप में बदल दिया गया था। और हृदयाराम जो रास बिहारी बोस थे, हमारे नेशनल रास बिहारी बोस, जो क्रांतिकारी रास बिहारी बोस थे, उनसे भी संबंध रखते थे या उनसे भी मिलते थे। व्हेन डिड द नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस
कम इनटू एग्जिस्टेंस। जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है वो कब बना था, 1911 में, 1915 में, 1921 में या 1927 में? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 1921 में ये आपका नरेंद्र मंडल बना था। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP has the lowest percentage of SC population? किसकी lowest percentage of SC population है? ऑप्शन ए कुल्लू, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी लाहौल स्पीति, ऑप्शन डी हमीरपुर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो लाहौल स्पीति है उसकी जो परसेंटेज वाइज पूछी है यहाँ पे, जो SC की पॉपुलेशन है वो सबसे कम है। अगर आपसे अब कमेंट सेक्शन में आपसे क्वेश्चन है कि SC की पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ है, यहाँ पूछा है परसेंटेज वाइज, तो आंसर हो गया आपका लाहौल स्पीति। लेकिन SC की पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ है, और दूसरा है ST की सबसे ज़्यादा कहाँ है, और परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। विच माउंटेन पास इज़ लोकेटेड हाईएस्ट एल्टीट्यूड, इनमें से कौन सा सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है, कांगला है, प्रांगला है, कुंजुम है या दराती है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जो प्रांगला है वो आपका स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है। किसको? स्पीति को जोड़ता है आपका लद्दाख से, लगभग अप्रोक्सीली बात कर रहा हूँ 5560 मीटर इसकी हाइट है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक इज़ लोकेटेड बिटवीन डोडराक्वार एंड सांगला, जो डोडराक्वार और सांगला के बीच में, इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए है कराली है, ऑप्शन बी करेरी है, ऑप्शन डी गढ़ारसू है, ऑप्शन डी भद्रौंसर है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, भद्रौंसर है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, भद्रौंसर जो लेक है वो है आपकी डोडराक्वार और सांगला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो द नेम्स ऑफ द सम रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, फाइंड द मिसमैच। इसमें से आपको बताना है कि कौन किस भी ट्रिब्यूटरी नहीं है। ऑप्शन है यमुना, जलाल और सतलुज, आंध्रा, ऑप्शन ब्यास, पिन या चिनाब, मियार। तो आंध्रा रिवर है वो आपको पता है, वो सतलुज की ट्रिब्यूटरी नहीं है। कमेंट सेक्शन में आपको ये भी बताना है कि आंध्रा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है। अगर आपने ज्योग्राफी के मेरे लेक्चर देखे हैं जो जिसमें हमने क्वेश्चन की फॉर्म में ज्योग्राफी करी थी, तो आपको ये आंसर देने में इजी रहेगा। विच ग्लेशियर फीड्स द पब्बर रिवर, तो पब्बर रिवर किसे फीड करती है, पब्बर रिवर को कौन सा ग्लेशियर फीड करता है? कुल्ती ग्लेशियर है, सीली ग्लेशियर है, चंद्रनाहन है या पाचा ग्लेशियर है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जो चंद्रनाहन ग्लेशियर है वो आपका पब्बर रिवर को फीड करता है। अब एक क्वेश्चन और आया था कि पार्वती रिवर को, जो पार्वती रिवर है हमारी कुल्लू में, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको कौन सा ग्लेशियर फीड करता है? तो एम से नाम है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो जाइए किताब ढूंढिए, किताब से इसको ढूंढिए, फिर लिखिए, क्योंकि जितना आप इसमें इन्वॉल्व होंगे उतना आपको उतने समय तक ये चीज़ें आपको रिटेन रहेंगी। तो इसका आंसर भी आपको बताना है। नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP शिकारी देवी सेंचुरी, इस जो शिकारी देवी सेंचुरी है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट के किस टाउन के नज़दीक है? क्या जोगिंदरनगर के नज़दीक है, क्या सरका घाट के नज़दीक है, क्या पंडोह के नज़दीक है, क्या सुंदरनगर के नज़दीक है? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, जो सुंदरनगर के टाउन के नज़दीक है आपकी शिकारी देवी सेंचुरी। विद विच रीजन ऑफ HP इज फुलैच फेस्टिवल मेनली एसोसिएटेड, जो फुलैच फेस्टिवल है वो किस रीजन से एसोसिएटेड है? आप क्या भरमौर से है, किन्नौर से है, सिरमौर से है या सपरून से है? तो आप सभी अगर थोड़ा सा कल्चर पढ़ा है तो किन्नौर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, किन्नौर से फुलैच फेस्टिवल है। अब ये क्या फेस्टिवल है, फुलैच में आपका सेप्टेम्बर के उसमें आता है, उसमें क्या होता है कि वहाँ पर जब फ्लावरिंग होती है, फूल खिलते हैं, जब
ऊंची पहाड़ों में फूल खिलते हैं, तो गांव से जो वहां के लोग हैं वो फूल तोड़ने जाते हैं और रात भर वहां रहते हैं, देवदार की पेड़ों की छाँव में डांस करते हैं। और अगले कुछ दिनों बाद जब वापस आते हैं और वहां के जो डेटी होते हैं, लोकल जो देवता होते हैं, उनको वो फूल भेंट करते हैं। ये भी जो फूल ऐश त्यौहार है, ये हमारी एक रिच जो कल्चर हेरिटेज है या हमारा जो रिच कल्चर है हिमाचल का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से आप सारे गांव के लोग इकट्ठे रहते हैं और पहाड़ों पे फूल तोड़ने जाते हैं और साथ में देवदार की ठंडी छाया में डांस करते हैं। तो ये आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। फूल ऐश फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? किन्नौर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सेप्टेम्बर में मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द मिंजर फेयर बीइंग इन चंबा? चंबा में मिंजर फेयर कब होता है? फर्स्ट मंडे ऑफ सावन मंथ, सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ, या फर्स्ट मंडे ऑफ भौदन मंथ, या सेकंड संडे ऑफ भादन मंथ? तो इस सावन महीने की बात है, ऑप्शन बी, सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ। तो सावन मंथ के सेकंड संडे को होता है, उसमें कल्चरल फेयर है, स्पोर्ट्स होती है, कल्चरल पार्टिसिपेशन होती है, चंबा में होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।